गुजरात को गिफ्ट देने के बाद दिल्ली पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आज प्रधानमंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। 100 से 300 बिलियन डॉलर का हो सकता है करार। सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में भारत और चीन के बीच कारोबारी समझौते पर होगी चर्चा। चीनी अधिकारियों के मुताबिक चीन भारत में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश का ऐलान कर सकता है। करार में रेलवे पर होगा खास जोर। हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए पटरियों से लेकर रेलवे के विद्युतीकरण में हो सकता है निवेश। पुणे और अहमदाबाद में लॉजिस्टिक पार्क बनाने में भी चीन कर सकता है भारत की मदद। आज सुबह 9 बजे चीनी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में होगा पारंपरिक स्वागत। राष्ट्रपति भवन से सीधे राजघाट जाएंगे जिनपिंग। महात्मा गांधी की समाधि पर चढ़ाएंगे फूल। आज चीनी राष्ट्रपति का व्यस्त कार्यक्रम। सुबह 10:30 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मिलेंगे। रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में भोज में शामिल होंगे। चीनी राष्ट्रपति ने बुधवार को अहमदाबाद से शुरू किया भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर होटल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का किया स्वागत। जिनपिंग के अहमदाबाद पहुंचने के 2 घंटे के भीतर हुए 3 बड़े समझौते। औद्योगिक पार्क बनाने के लिए ग्वांगडोंग प्रांत का गुजरात में एग्रीमेंट। अहमदाबाद में दिखा भारत चीन के रिश्तों का नया दौर। साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से लेकर रिवर फ्रंट तक राष्ट्रपति के साथ दिखे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेंट की गई जैकेट पहनकर गुजराती रंग में रंगे चीनी राष्ट्रपति। एक ही झूले पर बैठे मोदी और जिनपिंग। पारंपरिक नृत्य संगीत का भी लिया मजा। मोदी ने चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को दिखाया साबरमती रिवर फ्रंट। चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को मोदी की ओर से खास डिनर। दोनों ने गुजराती थाली का उठाया आनंद। साबरमती के गांधी आश्रम भी पहुंचे चीनी राष्ट्रपति। चीनी राष्ट्रपति ने पत्नी के साथ देखा गांधी आश्रम। जिनपिंग ने आश्रम में गांधी जी का चरखा भी चलाया। चीनी राष्ट्रपति को चीनी भाषा में गांधी पर लिखी पुस्तक भी दी गई। जिनपिंग को महात्मा गांधी पर बनी फिल्म भी सौंपी गई। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच लद्दाख में सरहद पर तनाव। भारतीय सीमा में घुसे पीएलए के करीब 1000 जवान। चीनी घुसपैठ से हालात तनावपूर्ण। सूत्रों के मुताबिक चुमुर के 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आई चीनी फौज। घुसपैठ की खबर के बाद 14 कॉर्प्स ने भारतीय जवानों को मौके पर रवाना किया। करीब 1000 जवानों की तैनाती। चीनी सेना के घुसपैठ का यह पहला मामला नहीं। इससे पहले चुमार इलाके में भी करीब 300 चीनी फौज भारतीय सीमा में घुस आए थे। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच अब तक नहीं बनी सहमति। बुधवार देर रात मुंबई में नितिन गडकरी के घर हुई कोर कमेटी की बैठक। बैठक में पार्टी के कई नेता मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी प्रभारी राजीव प्रताप रूड़ी और ओम माथुर के साथ अज्ञात ठिकाने पर की बैठक। ओम माथुर ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे तक पहुंचाया पार्टी का संदेश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बीजेपी का सोशल मीडिया पर रहेगा खास जोर। 3 करोड़ लोगों तक भेजेगी ग्रुप SMS। नागपुर, अमरावती, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर और लातूर में बनेंगे वॉर रूम। चुनिंदा शहरों में तैयार करेगी साइबर कार्यकर्ताओं की टीम। कांग्रेस ने केंद्र में बीजेपी सरकार के 100 दिन पर जारी किया बुकलेट। 100 दिन के शासन को 100 दिन का कुशासन नाम दिया। मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। लोगों की नाराजगी है। लोगों की विमुख होने का मुख्य कारण है वायदा खिलाफी, अहंकार। भारत का मतदाता जागरूक है। भारत के मतदाता ने अपनी बात कही है। कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ से भारी तबाही। पीड़ितों का हाल जानने के बजाय कांग्रेस के 15 विधायक
यूरोप के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सफाई, अपने पैसों पर घूमने गए। दिल्ली में अपनी किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लॉन्च पर बोले पूर्व सीएजी विनोद राय, कहा ऑडिटर किसी का दोस्त नहीं होता, कोई ऑडिटर को पसंद नहीं करता। मध्य प्रदेश के सिवनी में निर्दलीय विधायक की शर्मनाक हरकत, मंच पर बीजेपी की पूर्व महिला सांसद और मौजूदा विधायक की साड़ी के पल्लू से पोंछा हाथ, बाद में कहा भाभी के साथ मजाक चल रहा था। क्या पल्लू में हाथ पहुंचेंगे भाई, भाभी हमारी मजाक चल रही, इतनी देर से वो मेरे को तंग आ रही थी, जो पकड़ो मनुन भैया, मनुन पकड़ो तो वो पकड़ पकड़ के हाथ काले हो गए। हमने बोला मजाक, भाभी हम पहुंच लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मजाक है वो। पर बहुत गर्मा का ध्यान रखना चाहिए, अभी बात नहीं काय गर्मा का भाई, वो तुम्हारी भाभी है यार। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ एसएफआई का प्रदर्शन, जमकर किनारेबाजी, बुधवार को एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले की जांच को लेकर मचा था बवाल। असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ ने की खुदकुशी, घर के टेरेस पर जाकर अपने ही रिवॉल्वर से मारी गोली, शारदा घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए भेजा था समन। दिल्ली के तिहाड़ जेल की सुरक्षा की खुली पोल, एक कैदी ने दूसरे कैदी का किया कत्ल, जेल में बंद प्रमोद ने सलमान नाम के कैदी पर किया धारदार हथियार से हमला, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। डकैती के मामले में जेल में बंद सलमान की प्रमोद से पहले भी हुई थी लड़ाई, झगड़े के बाद दोनों का बैरक बदला गया, जेल में कैदी की हत्या पर तिहाड़ प्रशासन ने साधी चुप्पी। दिल्ली के कालकाजी में एक महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप, रेप के बाद पीड़ित को चलती कार से फेंका, एक आरोपी लड़की का जानने वाला। कानपुर में एक लड़की ने अपने दोस्त पर लगाया रेप का इल्जाम, कहा एवएमएस बनाकर साथियों से भी शारीरिक संबंध बनाने का डाला दबाव, लड़की के कॉलेज में ही पढ़ता है आरोपी। मेरठ में बीए की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, नौकरी का झांसा देकर तीन लोगों ने किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर मुंह बंद रखने की दी धमकी। सूरत में पीटी टीचर से परेशान, नौवीं के छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में टीचर पर मारपीट का लगाया आरोप, स्कूल प्रबंधन की सफाई, छात्र ने इसी साल लिया था दाखिला, आरोपी टीचर उसके क्लास में भी नहीं। दिल्ली में नरेला के पास हरेवली टोल प्लाजा पर चली गोलियां, फायरिंग में दो लोग गंभीर रूप से घायल, फायरिंग के दौरान भागने के क्रम में एक हमलावर को भी लगी गोली। दिल्ली के खानपुर में बीआरटी कॉरिडोर पर क्लस्टर बस ने युवक को कुचला, कुछ साल लोगों ने बस में की जमकर तोड़फोड़। दिल्ली के उस्मानपुर में जंगल में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस के मुताबिक युवक की गला दबाकर की गई हत्या, अब तक शव की शिनाख्त नहीं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 15 में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, खाली बर्तन बजाकर जताया विरोध, डीडीए पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप। स्कॉटलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने या नहीं रहने पर आज जनमत संग्रह। स्कॉटलैंड के राष्ट्रवादी नेताओं ने देशवासियों से की अपील, कहा स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता के लिए करें वोटिंग। नाइजीरिया के कानो शहर के एक सरकारी कॉलेज पर दो आत्मघाती हमला में 15 छात्रों की मौत।